सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल सागा फ्लैशबैक पे। इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे द 100 मैंस के फाइनल की। पूरी सीरीज में हमने जितने ही मैचेस कवर किए सभी में हमने अल्ट्रा क्लीन सेव किया। अब बारी है इसको फाइनल टच देने की। कल एलिमिनेटर में भी हमने बड़ी विनिंग की। आपने अभी तक हमारी विनिंग का लाइव विनिंग प्रूफ नहीं देखा है तो हमने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है द 100 लाइव विनिंग प्रूफ। वहां से जाकर के करोड़ों रुपए के लाइव विनिंग प्रूफ का वीडियो आप देख सकते हो। ये जो फाइनल मुकाबला होने वाला है ओवल इनविंसिबल और साउदर्न ब्रेव के बीच में होने वाला है। ओवल इनविंसिबल वही टीम है जिसने पिछले साल 2023 में भी द 100 की ट्रॉफी जीती थी। इस बार पॉइंट्स टेबल में नंबर वन थी और डायरेक्टली ये फाइनल में पहुंची। अब इनका मुकाबला साउदर्न ब्रेव के साथ होने वाला है, जिनकी अगर मैं बात करूं तो एलिमिनेटर मुकाबला साउदर्न ब्रेव जीत के आ रही है, बर्मिंगम फोनिक्स को हरा करके आ रही है। ये मुकाबला लॉर्ड्स के हिस्टोरिकल ग्राउंड में होने वाला है लंदन में, रात में 10:30 बजे से। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इसको सेव करके रखिएगा 9140233474। यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सामने आपको टेलीग्राम का QR और यूजर ID भी दिख रही है, वहां से भी आप हमको ज्वाइन और फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया, एक लिस्ट हमने सामने दी हुई है, पॉइंट्स टेबल, लास्ट मैचेज की विनिंग, वेन्यू रिपोर्ट एंड स्टैट्स, पिच रिपोर्ट एंड वेदर रिपोर्ट, हेड टू हेड मैचेस का रिकॉर्ड, प्लेयर्स बैटल एंड प्लेयर्स स्टैट और लास्ट में ड्रीम 11 की टीम बना करके मैं दूंगा। सबसे पहले जितने भी मैचेस हमने कवर किए सबकी विनिंग आपको सामने दिख रही है। मैच नंबर 1 से लेकर 5 तक इस स्क्रीन पे है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैच नंबर 6 से लेकर मैच नंबर 9 तक की है। 9वां मैच हमने कवर नहीं किया था, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे तो स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है, हमने लाइव विनिंग प्रूफ का भी वीडियो बना के दिया है जिसमें ड्रीम 11 एप्लीकेशन में हमने सब कुछ दिखाया है आपको। मैच नंबर 10 से 13 तक आपको यहां दिख रहा है। मैच नंबर 14 से 17 तक की विनिंग आपको यहां दिख रही है। 18 से 19 तक की विनिंग आपको यहां दिख रही है। 20 से लेकर के 22 तक की विनिंग आपको यहां दिख रही है। 23 से लेकर के 25 तक की विनिंग यहां दिख रही है। फिर इसके बाद आपको 26 से लेकर के 29 तक की विनिंग, मैच नंबर 30, 31, 32 हमने कवर नहीं किया और एलिमिनेटर जो कल हुआ था सभी विनिंग हमने यहाँ पे शेयर कर दी। अब बात करते हैं वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट की। ये जो लॉर्ड्स लंदन के पिच है वैसे तो यह बैटिंग फ्रेंडली पिच है लेकिन यहाँ पे रन बनते नहीं है। मैं रिसेंटली मैचेस यहाँ जो हुए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी यहाँ पे पेसर स्पिनर दोनों को विकेट्स मिलते हैं। इंटरनेशनल जो हुए हैं उसमें भी मात्र 150 का एवरेज है, वहां भी ज्यादा रन नहीं बने हैं। नीचे आपको वेदर दिख रहा है तो केवल 10% रेन के चांस है। पूरा मैच आपको होते हुए दिखाई देगा, कोई भी रेन इंटरप्शन आपको होता हुआ नहीं दिखाई देगा। अब जो यहाँ पे लास्ट के 4 मुकाबले हुए हैं उसमें बहुत ज्यादा रन नहीं बने हैं। लास्ट मैच में 135 बना और सामने वाली टीम 123 ही बना पाई। बैटिंग करना उतना अच्छा यहाँ पे नहीं है। 8 विकेट मात्र पेसर ने लिया, स्पिनर को विकेट नहीं मिला। ओवल इनविंसिबल ने 147 बनाया और लंदन स्पिरिट 117 पे ऑल आउट हो गई। यहाँ पे 7 विकेट पेसर और 7 विकेट स्पिनर को मिला। WEF मात्र 94 ही बना पाए। लंदन स्पिरिट ने इसको चेस किया लेकिन चेस करते करते 7 विकेट गिर गए। ऐसा केवल 100 में से एक बार होता है। इस वाले मैच में हमने प्रॉफिट नहीं कमाया था लेकिन जो हमने टीम बनाई थी उस टीम के कॉम्बिनेशन से 100 में से 99 टाइम्स हम विन करेंगे। 12 विकेट पेसर और 4 विकेट स्पिनर। यहाँ पे लंदन स्पिरिट ने 127 बनाया, बर्मिंगम ने इसको चेस कर लिया। यहाँ पेसर्स ने बाजी मारी और 11 विकेट पेसर्स ने लिए। अब यहाँ देख लेते हैं इस वेन्यू पे कौन से बैट्समैन और बॉलर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। जो जो नाम आपको सामने दिख रहे हैं, सबसे पहले डेविड मलान, फिर विल जैक्स, सैम कुरान, टॉम कुरान, ये जो 4 ऊपर के नाम है वो तो हमारे टीम में वैसे भी रहेंगे। जहां तक जॉर्डन कॉक्स का सवाल है तो वो उतने कंसिस्टेंट है नहीं बट इस वेन्यू पे अच्छा करते हैं। जेम्स विंस को हम वैसे भी लेके चलेंगे तो यहाँ से लिस्ट में आपको ऊपर से 4 डेविड मलान, विल जैक्स, सैम कुरान, टॉम कुरान, जेम्स विंस, ये हमारे टीम में रहेंगे। पोलार्ड उतने कंसिस्टेंट नहीं है, लास्ट मैच में भी फ्लॉप हुए थे, हम नहीं लेंगे। एलेक्स डेविस की बात की जाए तो ये भी उतने कंसिस्टेंट नहीं है, फिर भी आप इनको ट्राई कर सकते हो। टॉप ऑर्डर में आते हैं, प्लुइनी लास्ट मैच में अच्छा किया था, बाकी में फ्लॉप रहे हैं। बाकी यहाँ पे बॉलर की अगर मैं बात करूँ, जाम्पा अटकिंसन, साउदर, जोफ्रा आर्चर, क्रिस जॉर्डन, थैमल मिल्स और डैनी ब्रिक्स। ब्रिक्स लास्ट मैच नहीं खेले थे। वैसे यहाँ पे जो मस्ट पिक है वो जॉर्डन है, थैमल मिल्स है, इसके अलावा एडम जाम्पा है, ये आपके लिए मस्ट पिक है। बाकी अटकिंसन उतने कंसिस्टेंट नहीं दिखे हैं, एक ही मैच खेला है लास्ट वाला, फ्लॉप रहे थे उसमें। साउदर उतने कंसिस्टेंट नहीं है, जोफ्रा आर्चर भी उतने विकेट्स नहीं ले पा रहे हैं, फिर भी 4 ओवर कंफर्म रहता है तो जोफ्रा को तो आप ट्राई कर सकते हो, हम भी ट्राई करेंगे। बाकी यहाँ पे हटकिंसन वगैरह उतने इंपॉर्टेंट नहीं है।
बाकी हेड टू हेड में देख लेते हैं कौन से प्लेयर अच्छा खेलते हैं। तो यहाँ पे साउदर्न ब्रेव के अगेंस्ट डेविड मलान, विल जैक, सैम कुरान, टॉम कुरान, जॉर्डन कॉक्स और मर्चेंट डी लेंजे का अच्छा रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड आपके सामने लिखा है, अगर मैं उसको रीड करूंगा तो बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है, आप खुद से देख लेना। प्लेयर का नाम बस आपको याद रखना है। और ओवल इनविंसिबल के अगेंस्ट में जेम्स मिल्स, फिन एलन, किरण पोलार्ड, क्रिस जॉर्डन और गार्टन का अच्छा रिकॉर्ड है। वैसे मैं ड्रीम इलेवन की टीम आपको बना के दूंगा, आपको पता लग जाएगा। दोनों टीम के बीच में टोटल 4 हेड, जिसमें से 3 मैच जीता है ओवल इनविंसिबल ने। लास्ट सीजन की चैंपियन, इस साल भी टेबल में टॉप पे थी, डायरेक्ट फाइनल में गई, तो इस बार भी जीतने के इन्हीं के चांसेज हैं। एक ही मैच मात्र जीता है साउदर्न ब्रेव ने 4 में से। दोनों टीम के बीच में अगर हेड टू हेड मुकाबले की बात करें तो इस सीजन केवल एक ही मुकाबला हुआ है जिसमें ओवल इनविंसिबल ने बाजी मारी है। 118 बनाए थे साउदर्न ब्रेव ने और ओवल इनविंसिबल ने 6 विकेट से जीत लिया था। किसने परफॉर्मेंस किया, वही है नाम जो मैंने पीछे आपको बताया, विंस है। इसके अलावा एक एक विकेट है 4 बॉलर के, कोई खास नहीं है। सैम कुरान हमेशा कैप्टन की चॉइस रहेंगे, 35+2 विकेट। जॉर्डन कॉक्स ने 46 बनाया था। टॉम कुरान ने 4 विकेट, जैक्स और जैम्पा ने 1-1 विकेट लिए थे। बाकी ये जो 3 मैच आपको दिख रहे हैं पिछले सीजन के वो रिकॉर्ड है, तो वो हमारे लिए मायने नहीं रखते हैं। अब देख लेते हैं कौन से बॉलर किस बैट्समैन का आउट करते हैं। सबसे पहले साउदर्न ब्रेव के बॉलर से ओवल इनविंसिबल के बैट्समैन देख लेते हैं। तो जैक्स को 3 बार क्रेग वॉल्टन ने आउट किया, ये अच्छा मैचअप है। इसके अलावा ब्रिक्स ने मलान को 2 बार आउट किया है, 1 विकेट से ज्यादा वाला मैं रीड कर रहा हूँ केवल। सैम बिलिंग्स को जॉर्डन ने 3 बार आउट किया है, इसके अलावा कोई खास मैचअप है नहीं। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं ओवल इनविंसिबल के बॉलर और साउदर्न ब्रेव के बैट्समैन। तो यहाँ पे जेम्स विंस को जाम्पा ने 3 बार, टॉम कुरान ने 2 बार आउट किया, तो ये बहुत अच्छा मैचअप है। प्लुई को टॉम कुरान ने 2 बार आउट किया है, बाकी जाम्पा ने पुलार्ड को 2 बार आउट किया है। बाकी कोई खास यहाँ पे मैचअप नहीं है, कॉमन नाम आपको दिख रहे हैं जो आपकी टीम में वैसे भी रहेंगे। अब यहाँ पे प्लेइंग 11 देख लेते हैं। डेविस ओपनिंग करेंगे, विंस के साथ प्लुई है, कोल्स है, इवांस है, किरम पोलार्ड, अकील हुसैन, क्रिस जॉर्डन, जोफ्रा आर्चर, क्रेग वॉर्टन एंड कैमल मिल्स। इसके बाद यहाँ पे ओवल इनविंसिबल की तरफ से डेविड मलान, विल जैक्स, जॉर्डन कॉक्स, सैम बिलिंग, सैम कुरान, फेरेरिया, टॉम कुरान, लेमन बॉय, साउदर, एडम जाम्पा और अटकिंसन। अब एक एक प्लेयर का एनालिसिस कर लेते हैं, कौन सी हमारे ड्रीम 11 की टीम में होंगे वो भी मैं बात करूंगा। डेविड मलान कंसिस्टेंट प्लेयर है, बट उतनी बड़ी विनिंग इनिंग नहीं आई है, 29-38 आपको दिख रही है। रिसेंट फॉर्म जो यहाँ पे दिख रहा है इसको आप ध्यान से देखना यहाँ पे। इसके अलावा इस वेन्यू पे अच्छा रिकॉर्ड है, हेड टू हेड में अच्छा रिकॉर्ड है, एक्सपीरियंस काफी है, 10,000 के आसपास इनका रन है, आपके लिए मस्ट पिक रहेंगे। विल जैक्स कैप्टन, वाइस कैप्टन की चॉइस है, मेनली वाइस कैप्टन की चॉइस है, ओपनिंग करने आते हैं, ऑफ स्पिन बॉलिंग कराते हैं, इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस इनके हैं। बैटिंग से कुछ खास इन्होंने किया नहीं वैसे। जॉर्डन कॉक्स रिसेंट फॉर्म, 1 मैच में 46 बनाया था, बाकी हिट टू हिट में ठीक रिकॉर्ड है, वेन्यू पे अच्छा रिकॉर्ड है, ट्राई कर सकते हो। सैम बिलिंग्स का पूरा सीजन खराब गया है, कुछ खास कर नहीं पाए हैं। सैम कुरान आपके लिए कैप्टन के नंबर 1 चॉइस है, 3 विकेट, 35 रन, 2 विकेट, 68 रन, 2 विकेट, 51 रन, 5 विकेट, तो कैप्टन इनके अलावा आप किसी को भी नहीं बना सकते हो। फेरेरिया को प्रमोट किया गया था लास्ट मैच में भी, हार्ड हिटिंग बैट्समैन बट टीम में लेने लायक नहीं है। टॉम कुरान को लेके चलना है, लास्ट 2 मैच से 6 विकेट ले चुके हैं, मस्ट पिक है। लेमन बॉय को नहीं लेना है, साउदर को भी नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे स्पिनर्स को उतने विकेट्स भी नहीं मिलते हैं। जैम्पा मस्ट पिक है, आप देख सकते हो 4 और 3 विकेट, इस तरीके का परफॉर्मेंस इनका रहता है। अटकिंसन अच्छा कर सकते हैं, इसके पहले ये T20 ब्लास्ट का इनका फॉर्म है, वहाँ पे अच्छा था, यहाँ पे देखते हैं क्या करते हैं। इसके अलावा बेंच पे कुछ प्लेयर अगर खेलते हैं तो उनका रिकॉर्ड आपके सामने है। स्पेंसर जॉनसन खेलेंगे तो मस्ट पिक रहेंगे, बाकी मोहम्मद आमिर भी ठीक ठाक बॉलर है, मार्क वॉट को नहीं लेना है। साउदर्न ब्रेव की तरफ से एलेक्स डेविस उतने कंसिस्टेंट नहीं है, तो आप इनको बिल्कुल ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है, कभी कभी ये अच्छा खेलते हैं। जेम्स विंस आपके लिए मस्ट पिक है, जिनको आपको बिल्कुल ले करके चलना है। इसके अलावा प्लुई ने लास्ट मैच में 39 बनाया था, बाकी में फ्लॉप रहे थे, तो इम्पोर्टेंट नहीं है। कोल्स T20 ब्लास्ट के स्टार थे, इनको हम कैप्टन बनाया करते थे क्योंकि विकेट भी लेते थे, रन भी बनाते थे, बट यहाँ पे फ्लॉप रहे हैं। लॉरी इवांस भी फ्लॉप रहे हैं, नहीं लेना है। पोलार्ड ने कुछ अच्छी इनिंग्स खेली है, 45-17, 38-18, 2 कैचेज भी लास्ट मैच में लिए थे, फील्डिंग से पॉइंट देंगे प्लस बैटिंग आने पे अच्छा कर सकते हैं। बड़े मैच के बड़े प्लेयर आप इनको ले सकते हो अपनी टीम में। अकील हुसैन ने लास्ट मैच में 2 विकेट लिए, 4 ओवर कन्फर्म रहता है, ट्राई कर सकते हो। पेसर्स को यहाँ ज़्यादा विकेट्स मिलता है, जिसमें क्रेग वॉल्टन अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा क्रिस जॉर्डन तो मस्ट पिक आपके लिए रहेंगे, और जोफ्रा आर्चर के बारे में मैंने आपको बताया, विकेटिंग को मिल जा रहा है, 1-2 विकेट ले सकते हैं, और कैमल मिल मस्ट पिक, इनकी इनकी टीम के 2 मेन बॉलर हैं, कैमल मिल्स और इसके अलावा क्रिस जॉर्डन।
इनको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हो। बेंच पे कुछ प्लेयर हैं इनके, ब्रिक्स को लास्ट मैच में नहीं खिलाया गया था लेकिन रिसेंट फॉर्म इनकी भी अच्छी है। फ्लेचर फ्लॉप रहे थे, 2 मैच खेले थे, और डैनियल ह्यूजेस नहीं खेलेंगे। इसके अलावा रेहान अहमद उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, कुछ खास किया नहीं था। वेदरले भी कुछ खास नहीं है। गार्टन खेलेंगे तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, बाकी फिन एलन नहीं खेलेंगे। एक हमने यहाँ पे ड्रीम इलेवन की टीम बनाई हुई है जो कि आपको स्क्रीन पे दिखने वाली है अभी। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, जल्दी से आपको क्लियर दिखेगा यहाँ पे। मैं आपको दिखा देता हूँ, सामने बता देता हूँ। हमने जॉर्डन कॉक्स को लिया है, जेम्स विंस, डेविड मलांग, क्रिस जॉर्डन, सैम कुरान, विल जैक्स, क्रेग ओवर्टन, एडम जाम्पा, जोफ्रा आर्चर, थैमल मिल्स और अकील हुसैन, ये सारे इंपॉर्टेंट बॉलर्स हमने लिए। रन यहाँ पे ज़्यादा नहीं बनते हैं। कुछ हमारे प्रीवियस विनिंग है, लाइव विनिंग प्रूफ का वीडियो इसी चैनल का वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं पेड मेंबरशिप की। हमारा एकमात्र व्हाट्सएप नंबर है 9140233474। सीपीएल का पैकेज हमने लॉन्च कर दिया है, सीपीएल का पैकेज हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। सीपीएल स्टार्ट होगा 30 अगस्त से 7 अक्टूबर को उसका फाइनल मैच खेला जाएगा, लेकिन आपको 30 अगस्त से टीम नहीं मिलेगी। अगर आप आज से पैकेज लेते हो तो आज से आपको टीम मिलना स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें ये द हंड्रेड्स का मैंस और वुमेन्स का फाइनल भी इंक्लूडेड है, अफगानिस्तान T20 भी इंक्लूडेड है। जितने भी मैचेज होंगे आज से लेकर के 7 अक्टूबर तक, कल अगर आप पैकेज लेते हो तो कल से लेकर के 7 अक्टूबर तक, परसों लेते हो तो परसों से लेकर के 7 अक्टूबर तक, इस तरीके से आपको 7 अक्टूबर तक सारे इंपॉर्टेंट मैचेस दिए जाएंगे। हमारा चार्ज मार्केट में सबसे ज़्यादा हाई है क्योंकि हम लाखों रुपए पेमेंट करते हैं न्यूज कलेक्ट करने के लिए, उसी रेशियो में हम मेंबरशिप का प्राइस निकालते हैं। आपके पेड मेंबरशिप लेने से हमको 1 रुपये का ही बेनिफिट नहीं होता है। आपका बजट है तो आप पैकेज ले सकते हो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपका होस्ट है संकुरित, साइनिंग आउट, बाय।